हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? तो यार, आप सभी के लिए बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो आ चुकी है और मंजे के ऊपर है ये वीडियो। और बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मैंने काफ़ी मंजा मेकर्स का मंजा ट्राई किया, पूछा लोगों से, रिव्यू लिया, और उसके बाद में मैंने ये एक नया कारीगर का मंजा मंगाया है। तो यार, सबसे पहली बात की अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बताऊं कि ये मंजा वो रिली से आया है भाई, और कुरियर कराया गया है। और ये देखो, मैंने इसको हटा दिया, काफ़ी अच्छे से पैकिंग करी है, और इन्होंने बहुत ही नए मंजा मेकर आए हैं। नए नहीं बोलूँगा, मतलब जाने पहचाने नहीं है, मतलब लोग इतने जानते नहीं हैं, तो इनका नाम इतना जानते नहीं है। तो इन्होंने पहली बार ऐसे पैक करके मंजा कुरियर करके भेजा है, इससे पहले इन्होंने कभी पैकिंग नहीं करी, तो पैकिंग भी बहुत अजीब है। तो ये देखो, ये है मंजा, ब्लैक स्टार, अदनान रजा खान। भाई ये मंजा लच्छी पे है, लच्छी करके दिया है इन्होंने ये मंजा, और प्राइस मात्र 1800 रुपये के अंदर, 1800 रुपये के अंदर मात्र ये मंजा मेरे पास आ चुका है। मतलब इसके अंदर आना जाना सब कुछ शामिल है, 1800 रुपये मात्र इसमें लगे हैं और ये मंजा मेरे पास आ गया, और ये लच्छी मंजा है। तो भाई, जितने भी अपने पतंग वाले भाई हैं, सबको पता है कि लच्छी क्या होती है। लच्छी वो होती है कि मंजे की सुताई करने के बाद उसके ऊपर कोटिंग करी जो जाती है, उसको भिगो के रखा जाता है, फिर उसको दोबारा से सुताई की जाती है। इसके देखो दो कलर होते हैं, क्योंकि इसकी दो बार सुताई होती है। अंदर से पहला कलर ये है, रेड रेड सा दिख रहा है आपको, क्योंकि इसको एक बार सुताई करके भिगो के सुखाया जाता है। और दूसरा कलर ये ब्लैक है ही इसका मेन कलर जो है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये मंजा बेस्ट क्वालिटी का मांजा होता है। और लच्छी मांजा आपको कोई भी मेकर से आप लोगे तो कम से कम आपको 2400 रुपये, 2500 रुपये का मिलेगा। इतना सस्ता मांजा आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके मंगाया है, और इस चैनल के थ्रू भाई मैं जो अपने दबे हुए नाम के जो कारीगर हैं उनका नाम भी फेमस करना चाहता हूँ, जैसे लोग जाने कि हाँ, सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं और भी कारीगर हैं जो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि कुछ नाम तो सबको ही पता है जो फेमस हैं, अदनान अली, वाई के सी, तो इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं और अपना माल बेचते हैं। तो ये देखो, मैं आपको मांझा खोल के दिखाता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो बारीक मांजा है एकदम, और कहीं पे भी इसमें बीच में वो नहीं है, अड़चन नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मूथ मांजा है, एकदम शार्प स्मूथ। ये देखो, एकदम तो स्मूथ मांजा है, अभी नया नया बन के आया है, इसको मैं रखूँगा 6-7 महीने, उसके बाद में ये यूज़ करने के लिए रेडी होएगा। और मेन बात यह है कि ये लच्छी मांजा है भाई। लच्छी मांजे की प्राइस बहुत महंगी होती है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। दो बार इसके अंदर, एक बार कोटिंग करने के बाद इसको भिगोया जाता है, उसके बाद भिगोने के बाद दोबारा से कोटिंग करी जाती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। लच्छी मांजा ऐसे ही नहीं मिलता। तो यार, मांजा तो बहुत अच्छा है, दिख रहा है आपको, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं किसी आगे वाली वीडियो में, जब ये मांजा मैं यूज़ करूँगा, तब दिखाऊँगा। और वैसे आपको चेक करना हो तो आप ये देखो, किसी भी मांजे को ऐसे पकड़ के और ऐसे दो तरीके से यूं मिला के देखो, अगर ये दो सर्किल एकदम सर्किल की फॉर्म में बन रहे हैं तो मांजा सही है। अगर मान लो ये टूट जाता है बीच में से, तो दरार आने का मतलब है कि आपका मांजा अभी रेडी नहीं है। तो ये मांजा एकदम बिल्कुल सही है। तो यार, प्राइस का मैंने आपको बता ही दिया, मात्र 1800 रुपये के अंदर मेरे पास ये चरखी घर आ गई। ये देखो, ब्लैक स्टार, अदनान रजा खान, 123 की डोर पे। तो यार, जिसको भी ये मांझा चाहिए वो इनको कांटेक्ट कर लेना और बता दे।